कोई यदि व्यक्ति का अपने सेक्स सेम सेक्स के तरफ एक अट्रैक्शन होता है, मतलब मेल है तो मेल के तरफ उसका ओरिएंटेशन है, मेल के तरफ अट्रैक्शन है, मेल के तरफ झुकाव है, उसको लगता है कि मेल के साथ में उसने रहना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। यदि फीमेल है तो फीमेल को फीमेल के तरफ का सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है, झुकाव रहता है, तो उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल। समलिंगी। और यदि मेल टू मेल यदि है, लड़का लड़के के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं गे। और लड़की लड़की के साथ में अट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं लेस्बियन। मेरे पास में एक कुछ दिन पहले एक लड़का आया, उसकी एज अराउंड 30 इयर्स। वो खुद बोले कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, और उसने आप बीती बताई कि क्या हो रहा है। उसको बिल्कुल इच्छा नहीं है कि भाई उसने होमोसेक्सुअलिटी को कुछ करना चाहिए, छेड़ना चाहिए। उसको लगता है कि मैं होमोसेक्सुअल अच्छा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी घर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि शादी कर शादी कर। अभी तक उसने लड़कियों में कुछ ना कुछ नुक्स निकाला, ये लड़की वैसी है नहीं होना, ये लड़की वैसी है नहीं होना, और नकारता गया। मगर कुछ कुछ अच्छी लड़कियां भी हैं कि जिसमें कुछ बोलने लायक नहीं था, कि नकारने लायक कुछ था ही नहीं, और तभी भी उसने जब नकारा तो घर वालों को डाउट आने लगा कि क्या हो रहा है। तभी वो घबरा के मेरे पास में आया कि अभी मैं क्या करूं। उसको जब डिटेल में मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसका एक लड़के के साथ में संबंध आता है, वो पैसिव पार्टनर रहता है, जो लड़का आता है ये पैसिव पार्टनर रहता है, मतलब वो उसके गुदर द्वार में उससे सेक्स करवा के लेता है, और उसके साथ में बहुत ही इन्वॉल्व है। बोले मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बोला भाई फिर उसका क्या है सामने वाले का? तो बोले नहीं नहीं उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, वो तो शादीशुदा है, मगर वो गरीब है, और गरीब है उसको मैंने कुछ ना कुछ करके पटाया, और ये जो सेक्स मेरे साथ में करता है उसके मैं उसको पैसे देता हूँ, 2,000-2,500 जैसी भी उसकी ज़रूरत है वैसा मैं देता हूँ, और एक बार सेक्स करवा के लेता हूँ। मतलब उसको क्यों लेता है? बोले वो गरीब है, उसको कमाई का साधन नहीं है। और मैंने बोला बाकी कोई? बोले बाकी मुझे कोई चलता ही नहीं, एक ही लड़का और वही है। तो मतलब फिर प्रॉब्लम क्या है अभी? बोले अभी मैं आपके तरफ इसलिए आया हूँ, एक नया फंडा उसने लाया कि भाई मैं एक लड़की के साथ में शादी करूंगा, मगर आप अभी आप बोले प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास में तो बहुत लोग आते होंगे, तो मुझे ऐसी एक लड़की दो लेस्बियन कि जिसका लड़कियाँ मतलब वो होमोसेक्सुअल है, लड़की के साथ में लड़की का प्यार है, और वो भी शादी करने को तैयार नहीं है, उसको भी प्रेशर आ रहा है घर से शादी कर शादी कर। अब वो बता सकती है कि मैंने शादी किया, मैं बोले उसके शादी करूँगा, वो आपस में तय कर लेंगे कि अपने को शादी घर वालों के लिए करना है, और अपना अपना तरीका अपना अपना रास्ता अपन चालू रखेंगे, मतलब वो लड़की लड़की के साथ में चालू रखेंगी अपना, मैं लड़के के साथ में चालू रखूँगा, दोनों साथ में रह रहे, और समाज को बताने के लिए है कि ठीक है भाई हम तो शादीशुदा है, और वैसा कुछ बाहर बबाटा होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि समाज मानता नहीं, समाज अच्छा नहीं बोलता, बोले इसको, मतलब ये अच्छा तरीका है ये। मगर अभी लेस्बियन जो है लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये मेरे पास में भी आते हैं, मगर अभी उनको पूछना पड़ेगा मुझे कि भाई ऐसे कोई तैयार है क्या, तो मतलब ये फॉर्मूला में बैठने के लिए तैयार है कि नहीं है, मतलब पूछूंगा मैं ऐसा उनको, क्योंकि जो मेरे पास में आते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको कि भाई कौन आया था कौन नहीं। और लड़कियां तो मेरे पास में भी आती है कि भाई उनके पेरेंट्स लेके आते कि देखो ये लड़की के तरफ रहती है, अभी तक हमको कभी लगा ही नहीं कि इसका लड़की के साथ में प्यार होगा, क्योंकि दो लड़कियां साथ में दोस्त उसके फ्रेंड के साथ में रह रही है, कमरे में पढ़ाई कर रही है कर रही है, तो हमको क्या मैंने डाउट में भी नहीं आया, कुछ डाउट भी नहीं आया ना कि ऐसा कुछ होगा। पर अब जब उसकी ऐसी अभी शादी की उम्र हो गई, अभी शादी करना है, तब वो नहीं बोल रही है, और फिर वहाँ भंडा फूट गया। तो भी ऐसी लड़की ढूंढना पड़ेगा। बोले ढूंढो, बोले आप मेरी मदद करो, इसमें सहायता करो। बोले ठीक है, ऐसी लड़की मिलो ठीक है, मगर ऐसी लड़की तैयार नहीं हुई तो बोले भी ठीक है, कोई भी लड़की गरीब घर की चलती है मेरे को, और उसके सेक्सुअल जो हंगर है भूख है वो कहीं भी वो सेटिस्फाई करे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका किसी के साथ में होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिर्फ एक ही शर्त है कि वो मेरे साथ में रहना चाहिए एज ए वाइफ, ताकि समाज से मैं ठीक रहूँ, समाज में कोई प्रॉब्लम ना आए।
अभी इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हमारे देश में भी चालू है। 7 सितंबर 2018 में 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के एक बेंच ने धारा 377 के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड धारा 377 अंतर्गत एक जो पार्ट था कि भाई होमोसेक्सुअलिटी क्राइम था और उसको 10 साल की सजा थी, वो निकाल दिया और 7 सितंबर 2018 को होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में लीगल हो गई, लीगैलिटी आ गई, अभी कोई वो क्राइम नहीं है। वैसा ही हमारे देश में बहुत सालों से चलता आ रहा है। हमारे पुराने यदि स्क्रिप्चर्स देखेंगे और काफ़ी सारे जो पुराने ग्रंथ देखेंगे उसमें होमोसेक्सुअलिटी है ही बताई हुई है, मगर जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई कि भाई ये क्राइम है, ब्रिटिशों ने, मतलब करीब करीब 1870-75 वो एरिया से, मतलब वो साल से ये होमोसेक्सुअलिटी ये गुनाह हो गया और उसके ऊपर ये कर लिया, ब्रिटिश लोगों ने ये कर लिया। तो अभी हमारे देश में अभी ये क्राइम नहीं है और अभी 14 अप्रैल को सुनवाई है, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को ये सुनवाई है कि होमोसेक्सुअल मैरिज कर सकते नहीं, क्योंकि लोगों ने पिटीशन याचिका दाखिल की हुई है कि भाई जब एक लड़का लड़की से क्यों, भाई लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र जो है सेंटर गवर्नमेंट उनका ओपिनियन मांगा तो उन्होंने विरोध किया, मोदी गवर्नमेंट भाजपा उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और ये नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने विरोध किया हुआ है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, मतलब मैरिज एक्ट जो है उसके अंतर्गत शायद सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का वो अधिकार है शादी करना। अभी शादी किससे करना उसके लिए कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, यदि दूसरा व्यक्ति शादी करने को तैयार है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करेगा। आपको ये बताऊंगा कि 2021 का एक रिसर्च है, 2021 का एक रिसर्च है, IPSOS कंपनी है, इप्सॉस ये फर्म है, इन्होंने ये रिसर्च स्टडी की हुई है और इसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में 3% लोग होमोसेक्सुअल है, 3% गे है या लेस्बियन है, 9% लोग बायसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल मतलब उनका झुकाव दोनों तरफ भी है, लड़के की तरफ भी है लड़की की तरफ भी है और शादी करते हैं, 1% जो है वो पैनसेक्सुअल है, 2% जो है वो असेक्सुअल है, तो ऐसा उन्होंने स्टडी दिया था। इसका मतलब ये ऐसा है कि करीब करीब 15-17% उन्होंने लिखा है, 15-17% लोग ऐसे हैं कि जिनका ये सेक्स के प्रति ओरिएंटेशन जो नॉर्मली अलाउड है वो नहीं है, या वैसा नहीं है, वो नॉर्मली जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। 2012 का एक रिकॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 का एक रिकॉर्ड दिया, तो वो रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे देश में उस समय 25 लाख होमोसेक्सुअल्स थे, 25 लाख मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये तो जो लोग हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि अब होमोसेक्सुअल है, अब कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं है। बायसेक्सुअल लोग तो बहुत है, मतलब उनका स्टडी बाहर ही कभी आएंगा नहीं, क्योंकि मेरी तरफ जो आते हैं लोग उसमें से जब मैं पूछता हूँ तो बायसेक्सुअल है, मतलब शादी हुई है औरत के साथ में सेक्स चालू है और बाहर भी आदमियों के साथ में करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या था इसमें, प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम यह है कि ये तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे कंटिन्यू, जो मेरे पास में तो बोलता है कंटिन्यू करना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ हैप्पी। उसका प्रॉब्लम है कि घर का प्रेशर अभी कैसा निपटाना। अब बहुत लोग ऐसे आते हैं कि नहीं उनको खुद को इसमें मज़ा नहीं आ रहा है और लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन नहीं है और उसके वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है और अभी उनको वो अट्रैक्शन बदलने का है, वो लिखी देने को तैयार है, मैं उनसे लिखी लेता हूँ रिटर्न में कि नहीं हमको ये ओरिएंटेशन बदलने का है, आप कुछ भी करो और ये ओरिएंटेशन बदलो, कुछ सुझाव दो, काउंसलिंग करो, जो भी करना है। उनको बहुत सारी एंग्जाइटी आती है, नर्वसनेस आता है और उनको बदलने का है। क्या होता है कि ये लोगों ने मुझे ये बताया कि जो LGBTQ कम्युनिटी है वो कम्युनिटी में एक बार वो लोगों के संपर्क में आ जाती, वो उसको ज़बरदस्ती करके नहीं बराबर है ऐसे ही चल, वो उसको फोर्स करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं कुछ खराबी नहीं है ऐसा चल, कुछ होता नहीं ऐसा वैसा बहुत, तो मैं उनसे भाग जाता हूँ, मेरे को नहीं होना है वो, मगर ऐसा क्यों हो गया वो मेरे को मालूम नहीं कि भाई मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मुझे हो गया है।
अभी मुझे बदलने का है, और घर से भी प्रेशर तो है, उनको भी चाहिए, मगर इसको भी डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है। कुछ कुछ लोग ऐसे कि जिनका होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, और वो लोग आते हैं कि भाई हमको बचाओ, हमारी ज़िंदगी बचाओ, नहीं तो मेरे को सुसाइड करनी पड़ेगी, मेरे को ये होना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको काउंसलिंग करनी जरूरत है। और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारी शीर्ष संस्था है, उन्होंने 2014 में, फरवरी 2014 में ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि होमोसेक्सुअल जो है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो अननेचुरल है, अनैसर्गिक नहीं है, और वो कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और इसलिए ही हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, वो बराबर है। मगर अभी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इसमें ये बता नहीं रही है कि जो लोगों को डिप्रेशन है, जो लोगों को एंग्जाइटी है, जो लोगों को सुसाइड की बार बार सुसाइड के विचार आते हैं बार बार, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करके है, और उनका क्या, जिनको बदलने का है, उन्होंने क्या करना, तो वो पेशेंट है और वो मेंटल इलनेस है, और उसका डिप्रेशन है, तो उसका कारण होमोसेक्सुअलिटी, वो उसको जो उसको नहीं चाहिए एक्चुअली, तो उसका इलाज करना होगा, और उसके ऊपर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी में प्रकाश डालना जरूरी है, और वैसे भी हमारे लीगल सिस्टम ने 7 जून 2021 को जस्टिस एन आनंद वेंकटेश मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने बोला कि भाई ये होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है, और कन्वर्शन थेरेपी जो है होमोसेक्सुअलिटी की, ये प्रोहिबिटेड है तमिलनाडु और पांडिचेरी में, ये स्टेट्स में होमोसेक्सुअलिटी की कन्वर्शन थेरेपी, और कन्वर्शन थेरेपी मतलब कोई भी टाइप की थेरेपी जो है जो कन्वर्ट करने के लिए की जाती है होमोसेक्सुअल इंटू हेटरोसेक्सुअल, वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई ये नेचुरल है और उसमें कोई अननेचुरल हमको दिखा नहीं है, तो इसके ऊपर लॉ किया जाए कि भाई इसको ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। ऐसा लॉ अभी तक मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को पूछा कि ऐसा लॉ हमारे देश में नहीं कि उनको ट्रीटमेंट ही नहीं करना, मगर वो यदि लोग कोई साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, राइटिंग में देते हैं कि भाई हमको ये नहीं होना है, हमको इसमें रहना नहीं है, तो उनको उसमें ज़बरदस्ती वहाँ रुकाना और वो ओरिएंटेशन में रखना, वो भी ठीक नहीं है। तो अभी 18 अप्रैल को जो भी 5 जज का बेंच जो भी निर्णय देने वाला है मैरिज के बारे में, उन्होंने ये भी कंसिडर करना चाहिए कि भाई इसके लिए ट्रीटमेंट जो चाहिए फिर उसका क्या। और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने भी इसके लिए स्पेशल कमेटी बिठाई थी, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन देना चाहिए कि भाई इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, कि जो उसमें रहना नहीं चाहते वो एफिडेविट देना चाहते हैं, वो राइटिंग में देना चाहते हैं कि भाई हमारा इलाज करो, हमको बचाओ, तो उसके ऊपर भी प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। याचिकाकर्ता डेफिनेटली जो है लोग, वो होमोसेक्सुअल है, और राइट टू मैरिज जो है उसके लिए वो मांग करेगी, हमारा राइट टू मैरिज है। और न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला है कि ये दिस इज ऑफ सेमिनल इम्पॉर्टेंस, और इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाला डिसीजन होगा कि इनको शादी करने का अलाउ करना कि नहीं करना, इसका बहुत ही इन्फ्लुएंस होने वाला है आगे चल के, इसलिए हम उसको 5 जज बेंच की तरफ रेफर करते हैं और 5 जजेस उसका निर्णय देंगे। ये निर्णय आगे आने वाले बहुत निर्णयों को इम्पैक्ट करने वाला है, वो इन्फ्लुएंस करने वाला है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसके बाद में हो सकते हैं, इसलिए एक जज उसका निर्णय लेगा नहीं। देखिए 18 अप्रैल को क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।